हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आज मैंने एक मूवी देखी है। उस मूवी में सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ बताया गया था। भीम, क्या तुम्हें सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल हाँ चुटकी, मुझे सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता है। हम इन्हें ग्लोब की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। क्यों दोस्तों, चले ग्लोब वाले रूम में। क्या हम सब भी इन्हीं महाद्वीप पर ही रहते हैं? एग्जैक्टली राइट, सही कहा तुमने पतलू। ये हमारी पृथ्वी का बहुत छोटा सा मॉडल है, इसे ग्लोब कहते हैं। क्या तुमको पता है इस पृथ्वी के 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर भूमि का भूभाग है जहाँ मनुष्य रहता है। लेकिन ये ग्लोब तिरछा क्यों बना है? इसमें अर्थ सीधी क्यों नहीं है? छुटकी, इसका कारण ये है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आओ अब समझते हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप के बारे में। 1. तुम्हें ये जानना होगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप धरती की ऐसी संरचना को कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई तथा क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग होती है, अर्थात पृथ्वी का बड़ा सा वो भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जो कि निम्न है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं सारे धर्मों की जन्मभूमि है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले 2 देश चीन और भारत इसी महाद्वीप पर अवस्थित है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई, इसी कारण इन नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर अवस्थित है। उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पूरब में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। ये पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क, मकर, विषुवत गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील इसी महाद्वीप पर बहती है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप पर अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। इसे नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इसका नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। इसके दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्र में कुल 29 देश है। यह विश्व के 7 महाद्वीप में से एक है। पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट शामिल है। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, इसे इग्लू कहा जाता है। ये स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेंडियर कुत्तों का प्रयोग करते हैं।
दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये प्रशांत व अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। हॉर्न एंटरीप इस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। ये बोलीविया पठार पर अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन इसी महाद्वीप पर बहती है। अंटार्कटिका संसार का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। इसे महासागरीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूरी तरह हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप की खोज करने का प्रथम प्रयास एक नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया था, पर वो अंटार्कटिक वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय फेबियन वेलिंग शोसेन को है। वो 1820 ईस्वी में वोस्टॉक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि तीन महासागरों हिंद, प्रशांत व अटलांटिक से लगती है। इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। इस महाद्वीप के क्षेत्र में कुल 23 देश आते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें।